Welcome back to lecture 3. Already we have studied some basic concept in lecture 1 and how to write chemical equation in lecture 2. Hello everyone, this is Kasim Qureshi, and in today's section I will be teaching you how to balance a chemical equation. Okay, so balancing chemical equation is very easy. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कॉपर का. व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, बैलेंसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है इट शुड बी सेम. अगर वो सेम नहीं है तो वही चीज़ आपको बैलेंस करना है. तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिखेगा ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1. लेफ्ट हैंड साइड में जब ऑक्सीजन 2 है तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 2 होना ही चाहिए. तो अगर यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता हूँ, मुझे 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा. राइट ठीक है, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा. अब आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ड्रॉ करता हूँ जो आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट ड्रॉ कर दिया है और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया 2. अब जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने लिखी एक केमिकल इक्वेशन, नॉर्मली आपका मैथमेटिक्स में आपने प्रिंसिपल अप्लाई किया रहेगा एक्स प्लस वाई, बाहर जब 2 होता है तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करता है. सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ये जो बाहर का 2 है ये दोनों भी एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है. तो यहाँ पे कितना कॉपर हो गया 2, और कितना ऑक्सीजन हो गया 2. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन कॉपर बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर कितना है 1 और यहाँ पे कॉपर कितना है 2. इन ऑर्डर टू बैलेंस कॉपर आई विल राइट 2 हियर. नाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस. ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल है. कॉपर को ऑक्सीजन से जब कंबाइन किया गया, बर्न किया गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया तो आपको ये प्रोडक्ट मिला. प्रोडक्ट में आपको चेक करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1. तो मैंने बाहर क्या लिख दिया 2. जब मैंने बाहर 2 लिख दिया तो अंदर कॉपर भी 2 हो गया. जब कॉपर 2 हो गया तो मुझे यहाँ पे कॉपर के आगे 2 लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये आपका फर्स्ट केमिकल इक्वेशन था जो हमें बैलेंस करना था. नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ. H2O जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा तो इट विल फॉर्म H2NO2. हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दो चीज़ें इसमें से रिलीज होंगी. तो याद होगा आपको सेक्शन 2 में, लेक्चर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये गैस है ना, तो गैस के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, इट मींस दैट इट विल बी लिबरेटेड आउट. ओके, तो जब कहीं वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा इट विल गेट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1. राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, सो आई विल मेक इट 2. राइट, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया तो मल्टीप्लाई करो 2 × 2 = 4. हाउ मेनी हाइड्रोजन यू हैव, 4 हाइड्रोजन यू हैव. यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, सो इफ आई राइट 2 हियर देन 2 × 2 = 4 एंड द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम. थर्ड एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. जब सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट पास होता है, पास कैसे होता है, एक्चुअली बॉटल में रखा जाता है, तो बॉटल में से जब सन के रेज उसके अंदर जाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है. तो सिल्वर ब्रोमाइड में से जब सनलाइट पास होगा तो ये सिल्वर है
ये अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, Ag प्लस जो ब्रोमीन गैस Br2। ओके, ब्रोमीन गैस होता है, Br सिंगल नहीं होता, हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, सिंगल एटम नहीं रहेगा वो। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर Br2 है और यहाँ पर Br1 है, यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर Br1 है, सो आई विल मेक इट 2। सिल्वर बिकम्स 2, यहाँ पर सिल्वर 1 है, आई विल मेक इट 2। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू, इससे सिमिलर है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कितना है, O2 है, और यहाँ पर वो कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, आई विल मेक इट 2, मैग्नीशियम बिकम्स 2, सो आई विल राइट हियर 2। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ मैं, लाइक एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, जब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करेगा Al2O3, दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एल्यूमिना। एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो एल्यूमिना बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप पॉज करके पहले बैलेंस करने की कोशिश करिए, उसके बाद में फिर आगे का वीडियो मेरा चेक करिए। ठीक है, तो जब खुद से आप पॉज करोगे और चेक करोगे तो आपको आपका प्रॉब्लम पता चलेगा कि कहाँ पे हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जब ऐसा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो चेक करो आपके पूरे इक्वेशन में कहीं पर ऑड नंबर है क्या। ऑड नंबर तो आप यहाँ पे देखोगे, ऑड नंबर यहाँ पर 3 के पास ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आया होगा वो ऑक्सीजन को बैलेंस करने में ही आया रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आया रहेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे इक्वेशन में जहाँ कहीं आपको ऑड नंबर मिलेगा उसको सिलेक्ट करिए, और वहाँ को उस इक्वेशन को, मतलब उस वाले मॉलिक्यूल को आप इवन कर दीजिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिखने के बाद 2 3 6 हो गया, अब आपका ऑक्सीजन जो था इवन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 3 था, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो मैंने अगर यहाँ पे 3 लिखा तो ये हो गया 3 2 6, तो आपका ऑक्सीजन जो था वो बैलेंस हो गया। अब चेक करिए आपका एल्यूमिनियम, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो आपका इक्वेशन जो था ये बैलेंस्ड हो गया। ये इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। प्रॉब्लम आता है ऐसे इक्वेशन में जब जहाँ कहीं ऑड नंबर आ जाता है, तो ऑड नंबर के लिए सिंपल आप रूल याद रखिए कि जहाँ कहीं ऑड नंबर आएगा, अगर आसानी से वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, तो सिंपल मेथड उसका यही है कि जहाँ कहीं ऑड नंबर है उस मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके सारे स्टेप्स जो है ईजी हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम लोग बैलेंसिंग के, उसके बाद में फिर हम लोग मेन टॉपिक पे अपने आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूं, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl। एल्यूमिनियम को जब हम HCl से रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवॉल्व हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था, गैस के लिए सिंबल हम लोग ऊपर की तरफ यूज़ करते, तो वो सिंबल मैंने यूज़ किया है जो ऊपर की तरफ रहेगा। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो ये सिमिलर आपके प्रीवियस इक्वेशन की तरह है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर तो आया है, लेकिन ये ऑड नंबर की हेल्प से होता है या नहीं, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, हाइड्रोजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो मैं यहाँ पे 1.5 तो लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि 1.5 × 2 will give you 3,
ठीक है, बट आपके सिलेबस में ऐसा मेथड कहीं पर भी नहीं है, तो हम वैसा तो करने वाले नहीं हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं आपको ऑड नंबर दिखे, सबसे पहले आप ऑड नंबर को इवन कर लीजिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। तो ऑड नंबर जो है मेरे फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में है यहाँ पे, दैट इज़ 3, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो 2 3 6, तो यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, 2 3 6, तो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया तो मेरा क्लोरीन जो था वो 6 हो गया। अब मुझे चेक करना है मेरा हाइड्रोजन कितना है, तो मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन 2 है। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया तो 3 2 6 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अब एक चीज़ हम भूल रहे हैं, एल्यूमिनियम को अगर आप चेक करोगे तो आपका एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे 2 है, ओके, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, तो आई विल मेक इट 2, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद में जब चैप्टर जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते रहेंगे इक्वेशंस तो बहुत आएंगे बीच में, और वो टाइम पे आपको इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लेट्स से मैंने ले लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा NH3, दैट इज अमोनिया, ओके, NH3 बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे सेम कंडीशन है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आप नहीं लिखोगे कि आपको यहाँ पे 3 मिल सके, ठीक है। तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इवन हो जाएगा, राइट, तो ये 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लिखा, 3 2 6, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रोजन 2 था मेरे पास, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसके बाद यहीं पे हम ये सेक्शन को स्टॉप करते हैं एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग इन लेक्चर नंबर 4।